इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें जीमेल जब हम यहाँ पर अटैच कर रहे हैं अपने अकाउंट के अंदर, फॉर्मेट हमने मारा था हार्ड रीसेट और इसको हम आगे का प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। और इसको मतलब कि कनेक्ट वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं, स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पर हमें और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, बट हमें एक चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर हमारा कॉपी योर डेटा दिखाई देता है एंड उसके नीचे यहाँ पर सेटअप न्यू अकाउंट न्यू दिखाई देता है। तो न्यू पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें पुराना पता नहीं होता तो हम न्यू पर टिक कर देते हैं। यहाँ पर हमें इस तरीके से लिखा आ रहा है, जो कि यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पर स्किप करते हैं तो स्किप हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट यहाँ पर आपको शो करा रहा था वेरीफाई योर अकाउंट। तो ये वेरीफाई योर अकाउंट होता क्या है बेसिकली, ये मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से आप ज़रूर देखिएगा। तो ये वेरीफाई न्यू अकाउंट का सिस्टम होता क्या है, मतलब कि वेरीफाई योर अकाउंट। तो आपको जब आप अपने डिवाइस में हार्ड रीसेट मारते हैं, बेसिकली जब आप हार्ड रीसेट मारते हैं, तो हार्ड रीसेट में ऐसा होता है कि जब हार्ड रीसेट मारेंगे तो आपका डिवाइस यहाँ पर मतलब कि आपका अकाउंट चोरी का सा लगेगा आपको, कि चोरी का हुआ हुआ है फ़ोन, डिवाइस कुछ समझेगा इस चीज़ को और वो आपसे पुराना अकाउंट डालने के लिए परमिशन बोलेगा। अगर आप पुराना डिवाइस यहाँ पर नहीं डालते हैं वेरीफाई करने के लिए, तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर ये दिखाता रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पुराना डेटा आप मत डालिएगा बिल्कुल भी, आपको यहाँ पर न्यू डालना है। जब आप न्यू डालेंगे तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी, बल्कि ये जो है रन हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो यही प्रोसेस रहता है बस इसका सिंपल सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।